नमस्कार, आप एनएशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश ये बिहार की बात है। ये बिहार की बात है, इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो इन दिनों बिहार छोड़ दिल्ली विधानसभा चुनाव के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं और जमकर वहां पर पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बिहार का सियासी संग्राम, बिहार के सियासी बाण अब दिल्ली में भी छूटने लगे हैं। जी हाँ, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और इसके मुख्य नेता यानी कि मुख्य विपक्षी दल के नेता की अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव जो अक्सर हमलावर होते हैं, एक से एक ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट के जरिए ये नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर सुशील मोदी हो, इन तमाम नेताओं को निशाने पर रखते हैं। और शायद यही वजह है कि बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी और तमाम जो अन्य नेता हैं बीजेपी के, वो तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय बता दें, क्योंकि अक्सर ट्वीट के जरिए ही तेजस्वी यादव इन तमाम नेताओं को निशाने पर लेते हैं और जिन पर उन्हें हमला भी बोलते हैं। और एक बार फिर से बिहार की जो सियासी लड़ाई है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बिहार तक तो ठीक था, लेकिन अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंची है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना जो किस्मत है वो आजमाने निकले हैं। दिल्ली में 8 फरवरी से विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से चल रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार चल रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक बार फिर से इसके पिछले दफा भी वहां पर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को उतना जीत हासिल नहीं मिल पाई थी, उतना बहुमत उन्हें नहीं मिल पाया था, उतना वोट उन्हें नहीं मिल पाया था। इस बार दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी है। वैधर अगर फार्मूला की बात की जाए तो सीटों का जो फार्मूला है वो जो तय किया गया है और उसके हिसाब से ये अगर देखा जाए तो इस बार दिल्ली में अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो विरोधी पार्टियों को रास नहीं आ रही है, पछते हुए नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि लगातार नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के जमकर निशाने पर है और एक से एक उन पर हमले भी बोले जा रहे हैं। आपको ये भी हम बताते चले कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में ना कोई कल कारखाना खोला, ना विकास का जो रफ्तार है वो बढ़ी और चले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को ठगने। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान आया है ट्वीट के जरिए, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप लगाए विकास को लेकर, बिहार में विकास की गति जो रुका है, इसके साथ ही साथ बिहार में कल कारखाने को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर दर्शाया है अपने ट्वीट के माध्यम से और सीधे तौर पर हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। वो ट्वीट क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है कि नीतीश जी, कल दिल्ली में आपने महबूब यानी कि ये महबूब एक कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। नीतीश जी कल दिल्ली में अपने महबूब नेता अमित शाह जी के साथ चुनावी मंच साझा कर रहे थे। मंच पर अपनी सारी राजनीतिक दुर्दशा, चालाकी और मजबूरी को ना चाहते हुए भी प्रदर्शित कर गए। मंच साझा करने का ऐसा उतावलापन कहे या चाटुकारिता का तकाजा कि उत्साह में वो अपने डॉट डॉट, जी हाँ। और इसके बाद तेजस्वी यादव एक लिंक शेयर करते हैं उस पर facebook.com, और इस पर जाएंगे आप तो इस पर कुछ और भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनके ट्वीट का जो एनालिसिस है वो हम करेंगे। इन्होंने जिस लहजे का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार के लिए, बहजी करा रुख, बहदी करा तंज कस्ते पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह इनके पिताश्री बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे किसी भी विरोधी पार्टियों के लिए, ठीक उसी तरह उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि उन्होंने पहले ही लाइन में एक शब्द लिखा है महबूब नेता, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं अमित शाह के लिए महबूब ये इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने जो कटाक्ष किया, जो तंज कसा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि किस कदर विरोधी पार्टियों में खलबली मची हुई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है, एक साथ चुनाव मंच साझा करने जा रही है। और इसी के साथ साथ इस लिंक पर हम जरूर क्लिक करेंगे और इसके आगे तेजस्वी यादव ने जो
लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा फेसबुक वॉल पे जो इन्होंने पोस्ट किया है वो भी पढ़कर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। इन्होंने लिखा है पूरा का पूरा जो पोस्ट है मैं आपको जरूर पढ़कर बताना चाहूँगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि मंच साझा करने का ऐसा उतावलापन कहे या चाटुकारिता का तकाजा के उत्साह में वो अपने ही झूठ बोलने के सारे पुराने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ गए और देश की राजधानी दिल्ली को बिहार से बदतर बनाने में तनिक भर भी लज्जा महसूस नहीं कर रहे थे। जी हाँ, इस पोस्ट को अब हम आगे पढ़ेंगे और बताएंगे आपको। मुख्यमंत्री जी, यह बताएं कि आपके 15 वर्ष के कथित सुशासनी राज के बाद भी करोड़ों बिहारवासी पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर आप दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार से भी बदहाल मानते हैं तो आपकी मनोस्थिति को भगवान ही बेहतर समझ सकते हैं। आगे लिखा है, मुख्यमंत्री जी, बिहार में चमकी बुखार से 500 बच्चे मरे, गर्मी से हजारों लोग मरे, बाढ़ से मरने वालों की कोई गिनती ही नहीं, जल जमाव का सुशासनी जनाजा पूरे देश ने देखा था। सत्ता संरक्षण में आपके मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा 34 नाबालिग बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर में जो सामूहिक बलात्कार हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट की आपकी सरकार पर जो टिप्पणियां की थी वो किसी भी सभ्य इंसान को सोने नहीं देगी। बिहार की सड़कों को लेकर माननीय पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी आप भूल गए क्या? 15 साल में बिहार की शिक्षा को किस गर्त में आपने पहुंचा दिया इसका तो स्वयं आपको भी अंदाजा नहीं है। इसके आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि दिल्ली जाकर डबल इंजन सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि और केंद्रीय मदों में बिहार का हक मांगने के बजाय आप संविधान बदलने व अपने ही नागरिकों से नागरिकता छीनने वालों को लोकप्रिय और महानायक बता रहे हैं। शायद आप स्वयं में भी सवाल जवाब करने का आत्मबल नहीं रहा। सिद्धांत, विचार, नैतिकता और अंतरात्मा तो आपने जनादेश का सौदा करते समय ही बेच दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में यह तो बता देते आपने कितने कारखाने और कंपनियां बिहार में खुलवाई, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी चील मिल, राइस मिल, जूट मिल को बंद करवाया है। अपनी सरकार का 15 साल का हिसाब तो गिना नहीं सकते पर विपक्षी सरकारों का हिसाब मांगने दिल्ली तक पहुंच गए। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़े। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने जो ये पोस्ट किया है बेहद ही कई संगीन आरोप, कई तरह के चुटकीले अंदाज में इन्होंने नीतीश कुमार पर कराड़ा हमला बोला है, तंज कसा है और बिहार के उन तमाम मुद्दों को उठाया है, चाहे बिहार में पटना जो है पानी बाढ़ के पानी में चाहे डूब गया हो, मुजफ्फरपुर में कई बच्चों की जो मौत हुई, इसके साथ ही साथ नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार का जो मामला है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो कल कारखाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को तेजस्वी यादव ने बारीकी से उठाया और बारी बारी से इन पर सवाल भी पूछे और एक से एक सरकार पर सवाल या निशान भी उठाया और जमकर उन पर तंज भी कसा। तो आपने देखा है कि अपने शब्दों के माध्यम से जो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कह सकते हैं कि राजनीति के लिए इन्हें तो अब नया नहीं मान सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव अब समझ चुके हैं कि राजनीति करनी है तो उन मुद्दों को जरूर उठाना है जो जनहित से जुड़े हो, जिनका सीधा सरोकार आम जनता से हो, बिहार की जनता से हो। हालांकि तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के बाद, तेजस्वी यादव के इस प्रतिक्रिया के बाद, इस हमले के बाद और किस तरह का सियासी संग्राम देखने को मिलता है और इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं नीतीश कुमार के तरफ से, जेडीयू के तरफ से, ये भी देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। फिलहाल ये देखना अब आम है और फिर भी कह सकते हैं कि जिस तरह से जो दिल्ली में चुनावी संग्राम चल रहा है, एक तरफ केजरीवाल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ NDA यानी कि बिहार BJP के साथ साथ जिस तरह से नीतीश कुमार भी दिल्ली में चुनाव में उतरे हैं और BJP के साथ मंच साझा कर रहे हैं, देखना ये अहम होगा कि क्या इस बार का दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होता है या फिर दिल्ली के सिंहासन पर केजरीवाल एक बार फिर से विराजमान होती है या फिर दिल्ली की जनता को एक बार यहाँ पर BJP और नीतीश कुमार को मौका देती है। फिलहाल देखना ये अहम होगा। लेकिन बिहार की बात में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारा कहना भी बिल्कुल जायज़ होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया, बिहार में
सड़कों की स्थिति से दिल्ली की सड़कों की स्थिति का उन्होंने तुलना किया। देखना ये दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना पसंद करते हैं और क्या वाकई में दिल्ली के चुनाव में नीतीश कुमार का जादू चल पाता है या फिर नहीं। अगर जादू चल पाता है तो बिहार की जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा और उससे बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये भी देखना अहम होगा, दिलचस्प होगा। फिलहाल ये बिहार की बात में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।